बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग कम्युनिज्म के बारे में देखते हैं कि ये कम्युनिज्म क्या चीज़ है। अगर आपको ये लेक्चर हमारा अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि और लोग इसको देख सकें, और हमारे चैनल को शेयर भी करें ताकि बहुत सारे और लोगों तक ये कंसेप्ट पहुँच सकें। तो शुरू करते हैं जनाब। ये कम्युनिज्म का फ्लैग है जी, ये कम्युनिज्म का क्या है, ये कम्युनिज्म का सिंबल है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक एंड वाइट पिक्चर के अंदर। ये जो कम्युनिज्म का फ्लैग था जो कि बहुत पॉपुलर आइडियोलॉजी थी इन 1930s के अंदर, ठीक है, और ये काफ़ी हद तक पॉपुलर रही 1950s तक। तो जनाब कम्युनिज्म है क्या? बेसिकली कम्युनिज्म का मतलब है कि इक्वली पेड और शेयर्ड वर्क, यानी वर्क को शेयर किया जाए पॉपुलेशन में और पेमेंट जो है वो इक्वल हो। यानी ऐसा ना हो कि जो आदमी मोर वर्क करता है, जो आदमी ज़्यादा वर्क करता है उसको ज़्यादा रिवॉर्ड मिल जाए, ऐसा ना हो, बल्कि सब शेयर करें वर्क को एक कम्युनिटी के तौर पे और हर एक को इक्वल पे मिले, किसी को ज़्यादा पे ना हो, यानी इक्वालिटी आ जाए मुआशरे के अंदर, यानी मुआशरे के अंदर बराबरी आ जाए, अमीर और गरीब ख़त्म हो जाए, अमीर और गरीब का कंसेप्ट ख़त्म हो जाए। क्योंकि कम्युनिस्ट समझते हैं कि अमीरी और गरीबी क्या करती है, वो एक्सप्लॉयटेशन लेके आती है सोसाइटी के अंदर। तो जनाब अ गवर्नमेंट वे पीपल शेयर वर्क फेयरली एंड वर्क पेड इक्वली, एक ऐसी गवर्नमेंट कम्युनिज्म है जिसमें लोग शेयर करते हैं वर्क को और उनको पे इक्वल किया जाता है। अब जो वर्ड कम्युनिज्म है ये लातिनी वर्ड कॉमन से निकला है जिसका मतलब आम होता है, यानी कॉमन होना, या बिलोंगिंग टू ऑल जिसका मतलब है सबसे बिलोंग करना, सबसे ताल्लुक होना। इसका एक लिटरल मीनिंग यानी वर्ड से अगर हम मीनिंग निकालें तो इसका मतलब ये है कि कम्युनिज विच मीन्स कॉमन और बिलोंगिंग टू ऑल। अब इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था? इसका ओरिजिन जनाब ग्रीस में हुआ था। हमें पता है कि ग्रीस की जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी और हमारे मोस्टली जितने भी आइडियाज़ आते हैं वो वहीं से आते हैं। इवन के इस्लामिक सिविलाइजेशन ने भी ग्रीस की जो साइंस या ग्रीस की जो डिस्कवरी थी उसको एडवांस किया अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से। तो ग्रीस में ही कम्युनिज़म का आइडिया दिया गया। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे जो प्लेटो थे, प्लेटो ने क्या किया, कम्युनिज्म ऑफ वोमेन की बात की, कम्युनिज्म ऑफ वोमेन की बात की। तो ये आइडिया वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ ग्रीस के अंदर। अब होता ये है इसका इमर्जेंस कैसे हुआ इस आइडिया का, यानी ये जो आपकी जो कम्युनिज्म का आइडिया है इसका इमर्जेंस कैसे हुआ? तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ दुनिया के अंदर, जब हमने देखा स्टीम इंजन बनाया जेम्स वॉट ने, तो उसके बाद होता ये है कि मशीन बननी शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स निकलते हैं, बहुत सारे इन्वेंटर्स निकलते हैं, उन्होंने मशीन बनाई। अब ये मशीन्स वो लोग जो अमीर थे, वो लोग जिनके पास सरमाया था, उन्होंने उनको बाय कर लिया। जब उन्होंने मशीनों को बाय किया तो जो लेबर्स थे वो पहले अपनी रोज़ी रोटी चलाते थे, वो अर्न करते थे अपना लिवलीहुड किस तरह से, ज़मीनों पे काम करके या फैक्ट्रियों में हाथ से चीज़ें बना के किसी फैक्ट्री के अंदर, वो रिप्लेस हो गए और उनकी जगह किसने ले ली, उनकी जगह मशीनों ने ले ली। अब ये जो डिस्प्लेस्ड वर्कर्स थे ये इन्होंने प्रोटेस्ट किए, ठीक है जी, और उसके बाद इनकी हालत पतली होती गई और फिर और हुआ ये कि मशीन क्योंकि आ गई तो अब मशीनें एक ही बार ख़रीदी जाती थी बड़े बड़े कैपिटलिस्ट की तरफ से और उनको बार बार पे नहीं करना पड़ता था वर्कर्स को। तो अब वो अमीर से अमीरतर होते गए और गरीब गरीब से गरीबतर होता गया और एक अल्ट्रा रिच क्लास जो है वो इमर्ज हो गई डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर, स्पेशली यूरोप के अंदर। तो डिफरेंस बिटवीन क्लासेस इंक्रीज हो गया, क्लासेस के दरमियान डिफरेंस, यानी पुअर होते गए, ज़्यादा पुअर होते गए और अमीर ज़्यादा अमीर हो गए। अब कम्युनिज्म के बिलीफ कौन से हैं, बिलीफ इनके कौन कौन से? सबसे पहले ये बिलीफ है कि रिच बहुत ज़्यादा रिच हो रहा है, जो करंट कैपिटलिस्ट सिस्टम है इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर रिच जो है वो रिच होता जा रहा है और गरीब जो है वो गरीब होता जा रहा है। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। आप अगर अमेरिका में देखें तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा क्या है, गिनी कोफिशेंट के ऊपर अमेरिका का जो इंडिकेटर्स हैं वो ये बताते हैं कि अमेरिका सबसे अनइक्वल नेशन है जिसके अंदर गरीब बहुत गरीब हैं और अमीर बहुत अमीर हैं। वहाँ पे बिलियन ऑयर्स और इवन के अब तो ट्रिलियन ऑयर्स भी बनने वाले हैं लोग। तो ये जनाब
ये आपका कैपिटलिज्म कर रहा है, तो कम्युनिज्म इसका उल्ट समझता है कि इसको ख़त्म होना चाहिए, गरीब और अमीर का फ़र्क ख़त्म होना चाहिए। पीपल वांटेड टू मेक एवरीथिंग इक्वल, लोग इक्वल, ये जो कम्युनिस्ट हैं वो चाहते हैं कि सब इक्वल हो जाए, क्योंकि गरीब और अमीर का जो फ़र्क है ये बाकी किस्म के जो एक्सप्लॉयटेशन है उसकी रूट काज है, उसकी बुनियाद रखता है, इसलिए अमीर और गरीब का फ़र्क इनके मुताबिक ख़त्म होना चाहिए। सो अब तक ऐसा हो सका है, अब तक ऐसा नहीं हो सका, अमीर और गरीब का ख़त्म फ़र्क ये ख़त्म करने में नाकाम हो गए हैं कम्युनिस्ट। तो जनाब गोल कम्युनिज्म का यही है कि एक ऐसी गवर्नमेंट प्रोलीटेरियट की गवर्नमेंट बनाई जाए, वो प्रोलीटेरियट की जो गवर्नमेंट है वो एस्टैब्लिश हो और वो अमीरों से स्नैच कर ले उनकी प्रॉपर्टी और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे पीजेंट्स के अंदर और लेबर्स के अंदर। तो ये जो है वो कम्युनिज्म का गोल है। आप यहाँ देख रहे हैं ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो सारी की सारी बराबरी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ये इनका गोल है कि क्लासेस ख़त्म कर देना, यानी आपके माशरे में आप देखते हैं कि एक बंदा जो है वो बड़ी कार लेके आ रहा है तो वो रिच है, जो बंदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आ रहा है तो वो पुअर है। तो ये चाहते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए एक जैसी, सबके पास इक्वल पे होनी चाहिए, सबको ज़िंदगी की ज़रूरियात मिलनी चाहिए बेसिक, और ये अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म होना चाहिए। अब थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। USSR जो है इसको अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो हम कम्युनिज्म को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि USSR ही एक ऐसी रियासत थी जिसने कम्युनिज्म को क्या किया, उसने इम्प्लीमेंट किया प्रैक्टिकल वे के अंदर। ठीक है, तो USSR का मतलब है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये दिसंबर 1922 में बनी। हमें याद है कि बोल्शेविक्स ने रेवोल्यूशन लेके आए थे लीनिन के अंदर, व्लादिमीर लीनिन के अंडर वो रेवोल्यूशन लेके आए थे, और ये 1917 में रेवोल्यूशन आया था जिसमें रशिया जो है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी। उसके बाद 1922 के अंदर दिसंबर में क्या हुआ जनाब, आप ये देखते हैं कि जो है वो क्या बन जाता है, आपका USSR बन जाता है जहाँ पे कम्युनिज्म इम्प्लीमेंट होता है। द USSR इज़ अ कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी थी जो कि रूल करती थी। अब जब ये जो USSR बना तो तब अमेरिकन्स और ये दोनों भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, ये आप देख रहे हैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, इनके दरमियान बड़े कॉर्डियल रिलेशन थे। क्यों? क्योंकि उनका एक ही एनिमी था जब ये इस्टेब्लिश हुआ, तो उसके बाद उनका एक एनिमी था वो था हिटलर, और हिटलर से रिलेटेड जो लोग थे जैसे तोजो, जनरल तोजो, ठीक है, ये जापान का जो फासिस्ट रूलर था, और उसके बाद जो मुसोलिनी, ये जो थे ये इनके दुश्मन थे। तो इस वजह से ये दोनों दोस्त थे, और ये दोनों USSR एंड USA ये एज अ अलाइज जो थे वर्ल्ड वॉर टू के अंदर लड़े इनके ख़िलाफ़, और ये विक्टर थे, इन्होंने विक्ट्री हासिल की वर्ल्ड वॉर टू के अंदर। तो इनके तलकात शुरू में अच्छे थे, मगर जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू का जनाब मोहतरम अख्ताम हो जाता है, ये एंड हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद इन दोनों की आपस में जंग चलनी शुरू हो जाती है जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं, यानी ठंडी जंग, जो जिसमें दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के सामने डायरेक्टली तो नहीं आए लेकिन इनडायरेक्टली उनके दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में कॉन्फ्लिक्ट रहा। द कोल्ड वॉर वॉज अ वॉर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। हैरी ट्रूमन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड वॉर टू के एंड पे, जब फ्रैंकलिन डिलानो रूज़वेल्ट जो थे उनको स्ट्रोक हुआ और वो फौत हो गए अपनी चौथी टर्म के दौरान ही जो है वो फौत हो गए। तो उसके बाद जनाब क्या हुआ कि ये हैरी ट्रूमन जो थे इन्होंने ये आ गए। तो हैरी ट्रूमन जो थे ये कम्युनिज्म के दुश्मन थे, उनका उसका जो गोल था कि यूरोप को में कम्युनिज्म का जो स्प्रेड है इसको स्टॉप किया जाए, इसको हाल्ट किया जाए, ये फैल ना जाए। तो इस चीज़ को उसने इम्प्लीमेंट करने के लिए, कम्युनिज्म को रोकने के लिए उन्होंने नेटो बनाई। आज नेटो के 31 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं भाई? 31 मेंबर्स हैं। और उसके साथ साथ यूरोप के जो पुअर कंट्रीज़ हैं जो कि वॉर में तबाह हो गए थे उनको रिवाइव करने के लिए मार्शल प्लान बनाया गया। और मार्शल प्लान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ हैरी ट्रूमन था, इसका एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसके नाम पर ये मार्शल प्लान बनाया गया जिसमें जो फाइनेंशियल एड दी गई यूरोप के अंदर जो तबाह हाल कंट्रीज़ हैं उनको।
तो जनाब सोवियत यूनियन थ्रेटन्ड अदर कंट्रीज, सोवियत यूनियन जब वर्ल्ड वॉर टू के दौरान इसने दूसरे कंट्री को थ्रेट करना शुरू कर दिया और सोवियत यूनियन ने विक्टर के तौर पे उसने अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बना लिया। किस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बना लिया, ये आप देख रहे हैं, ये ईस्टर्न यूरोप जो है वो ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर उसने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को इंस्टॉल कर लिया और एशिया के अंदर भी बहुत सारे कंट्रीज़ में उसने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इंस्टॉल की, मदद की बनने में, जैसे चाइना में मदद की और नॉर्थ कोरिया में उसने कम्युनिज्म को क्या किया भाई, आने में मदद की। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी रीअप्रोचमेंट हुई यूएसए की और यूएसएसआर की, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन थे, तो इन्होंने फिर टॉक्स शुरू कर दी, एक दूसरे के साथ बातचीत शुरू कर दी ताकि दुनिया को तबाही से बचाया जा सके। क्योंकि जापान के अंदर वर्ल्ड वॉर टू के एंड के ऊपर हमने देखा कि न्यूक्लियर वेपन की तबाही जो है वो सबको एविडेंट थी कि उसका क्या असर हो सकता है। तो इन्होंने स्ट्रैटेजिक जो आर्म लिमिटेशन टॉक्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। बाद में इनके जो कुछ मुआहदे भी हुए 1972 और 1979 में, जिसमें स्ट्रैटेजिक आर्म लिमिट का पहला एक एग्रीमेंट हुआ, फिर दूसरा हुआ। अब जब कम्युनिज्म था तो अमेरिका के अंदर ये कोल्ड वॉर के दौरान लोगों को, जो एक्टर्स होते थे हॉलीवुड के, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आम सी बात थी कि ये कम्युनिस्ट है। जिसके खिलाफ़ नफरत हो उसके खिलाफ कम्युनिस्ट होने का प्रोपेगेंडा किया जाता था, यानी कम्युनिस्ट होना एक अब्यूज़ था, एक अब्यूज़ समझा जाता था अमेरिकन सोसाइटी के अंदर। आपसे लोग डरते थे, लोग फियर करते थे, क्योंकि अमेरिकन प्रोपेगेंडा फैलाते थे कम्युनिस्ट के खिलाफ। तो एक यहाँ पे हम पैट्रिशिया बॉसवर्थ की एक स्टेटमेंट देखते हैं कि माई फादर वॉज बींग हंडेड आउट, मेरे फादर का पीछा किया गया बिकॉज ही हैड डिफेंडेड दी हॉलीवुड टेन एंड टेकन ऑन न्यूमरस लॉयल्टी केसेज एज वेल, और उनको बहुत सारे केसेज में फंसाया। ही वॉज लेबल्ड सबवर्सिव, उसको ये कहा गया कि ये सबवर्सिव है, ये कुछ सैबोटियर एलिमेंट है। ही वॉज फॉलोड रिलेंटलेसली बाई FBI उसके पीछे घूमती थी, उसकी फ़ोन कॉल्स को टैप करती थी, हालांकि अमेरिकन सिस्टम में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये काम करना जो है वो इलीगल है, ये फ्रीडम के ख़िलाफ़ है, बिल ऑफ राइट्स के अगेंस्ट है। हॉलीवुड स्टार्स वर अक्यूज्ड ऑफ कम्युनिज्म, उनको कम्युनिज्म के का इल्ज़ाम लगाया जाता था उनके ऊपर और उनको ब्लैकलिस्ट किया जाता था समटाइम्स स्टूडियो से। अब ये इमर्जेंस की जो टाइमलाइन है हम वो देखेंगे, ये देखेंगे हम कि आहिस्ता आहिस्ता ये इमर्ज कैसे हुआ कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म तो था ही था, कम्युनिज्म कैसे इमर्ज हुआ। तो 1755 में, सॉरी, सबसे पहली जो चीज़ थी ये इमर्ज हुआ कैसे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो अमीर और गरीब का जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, वो क्या होना शुरू हो गया, वो भाई बढ़ना शुरू हो गया। रिच और पुअर का जो एक डिफरेंस है वो बढ़ना शुरू हो गया। लेबर्स की हालत जो है वो पतली हो गई, उनको उनके राइट्स नहीं मिलते थे, तो वो डिससेटिस्फाइड थे। फिर एक बंदा आया जो बहुत मशहूर बंदा है दुनिया का, उसका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने 1848 में एक किताब लिखी जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि कम्युनिज्म जो है वो बेहतरीन आइडियोलॉजी है, ये दुनिया के सारे मसाइल का हल करती है और कैपिटलिज्म ने दुनिया को बहुत सारे मसाइल से दोचार किया और ये आइडियोलॉजी गंदी है। तो ये आइडिया, ये किताब जब लोगों ने पढ़ी तो ये आइडिया मशहूर होना शुरू हुआ। फिर इसका अमली जामा जो है वो लिनिन ने इसको पहनाया रशिया में कम्युनिज्म को इम्प्लीमेंट करके 1920 में, ठीक है। और 1922 के अंदर दिसंबर में USSR बना जो कि कम्युनिस्ट स्टेट था और रशिया और अमेरिकन सब फ्रेंड्स थे, ठीक है। तो उसके बाद 1953 में हालात इनके ख़राब हो गए, क्योंकि 1953 में वर्ल्ड वॉर टू एंड हो चुकी थी और ये एक दूसरे के मुखालिफ हो गए, इनके दरमियान कोल्ड वॉर शुरू हो गई। कोल्ड वॉर के दौरान 1953 के अंदर स्टालिन, ये जो पहला लीडर था USSR का, बड़ा मशहूर लीडर है जी और बड़ा सख्त लीडर है, क्योंकि गुलाग्स के अंदर इसने बहुत सारे लोगों को मारा था, ठीक है, बहुत सारे लोगों को मारा था इस बंदे ने, ये बंदा फ्रीडम के खिलाफ था। और 1954 में क्या हुआ भाई, मकार्थी को कंडेम किया गया। अब मकार्थी क्या है, US सेनेटर है और ये कहता कम्युनिस्ट के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलता था मकार्थी, और मकार्थी को फिर इसका ट्रायल हुआ, इसको सेनेट से एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया सेनेट से, क्योंकि ये झूठ बोलता था, झूठ के इल्ज़ाम लगाता था लोगों के कि फलाना बंदा भी कम्युनिस्ट है, फलाना बंदा भी कम्युनिस्ट है। 1972 से 1979 में सॉल्ट वन और सॉल्ट टू यानी स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स हुई, ताकि दोनों के दरमियान डी
न्यूक्लियराइजेशन, या आप ये कह सकते हैं कि डी आर्मामेंट या डिस आर्मामेंट आप कह सकते हैं कि ये वाली जो एफर्ट्स हैं ये होनी शुरू हो गई। कोल्ड वॉर एंड हो गई जनाब दिसंबर 1991 के अंदर, जब सोवियत यूनियन टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी ने जो यूएसएसआर का जो स्ट्रक्चर था उससे इंजेन्यूटी, जिसको आप कहते हैं कि अकलमंदी, को ख़त्म कर दिया। देखें, किसी भी कंट्री के अंदर जब लोग ये समझते हैं कि मेहनत का फल मिलेगा तो वहाँ पे नई नई चीज़ें इन्वेंट होती हैं, तो यूएसएसआर में इन्वेंशन ख़त्म हो गई और जो वर्कर्स थे उन्होंने काम करना भी छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता था एंड पे उन्हें तनख्वाह तो मिल जानी है। तो जब सब ने काम करना छोड़ दिया, यानी इस आइडियोलॉजी में बहुत सारे फ्लॉज थे, तो ये आइडियोलॉजी जो है वो नाकाम हो गई। अब फाइव टेक अवेज क्या हैं इस लेसन के? कम्युनिज्म एक गवर्नमेंट है जो इक्वलिटी चाहती है, हर किस्म की क्लासेस को ख़त्म करना चाहती है। डिक्टेटरशिप क्या है भाई? डिक्टेटरशिप है कि एक बंदे का कंट्रोल, इसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं। कोल्ड वॉर वो वॉर है जो यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान हुई, और इसका जो टेन्योर था 1945 से 1991 था, ठीक है भाई। द बिगिनिंग ऑफ कम्युनिज्म जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू हुई, क्योंकि इंडस्ट्री हुई, ऑटोमेशन हुई, तो उसके बाद गरीब गरीब तर हो गया, अमीर अमीर तर हो गया। और यूएसएसआर का जो गोल था वो क्या था? एक्सपेंड करना कम्युनिज्म को, और वो इस करने में कामयाब भी हो गया। ईस्टर्न यूरोप के अंदर हमने बहुत सारी रियासतें देखी जो कि बाद में फिर कैपिटलिस्ट हो गई। आज हम चाहे स्लोवाकिया, ये सारी रियासतों को कैपिटलिस्ट देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि ये हंगरी वगैरह की रियासतों को, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिज्म का क्लैप्स हो गया, यूएसएसआर का क्लैप्स हुआ था 1991 के अंदर, और फिर रशिया अकेला बच गया, और रशिया ने भी रिफॉर्म कर ली, कैपिटलिज्म पे वो दोबारा शिफ्ट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह लेसन अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।